वहीं हरिद्वार से खबर है जहां कांवड़ियों के वेश में आने वाले हुड़दंगियों से पुलिस निपटेगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा है और सभी को श्रद्धा भाव से कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। सोमवार शाम को हरिद्वार पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। भाजपा ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। डीजीपी ने मेला नियंत्रण भवन में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए जिला पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि इस बार भी कांवड़ यात्रा हर साल की तरह सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कुछ उपद्रवी तत्व जो कांवड़ियों की भीड़ में आकर हुड़दंग मचाते हैं और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनसे पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखिए, कांवड़ मेला हर वर्ष जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए ना सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और अनुष्ठान है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, क्राउड कंट्रोल के लिहाज से ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हर साल हम देख रहे हैं, जब से राज्य बना है, हर साल इस के आकार में, इसके प्रकार में परिवर्तन होता आया है। और जो पिछले वर्ष के आंकड़े हैं, 4 करोड़ से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए थे। इस वर्ष भी लगभग उसी के आसपास श्रद्धालुओं के आने की हमें उम्मीद है। लगभग 12 दिन का है ये मेला, 22 आज 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 अगस्त को इसका समापन है। तो पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पे इस वर्ष भी व्यापक हम लोगों ने प्रबंध किए हैं। लगभग 7,000 कर्मी टोटल जो है सुरक्षा बलों के, सिविल पुलिस के, आर्म पुलिस के, पीएसी के, SDRF, हमारी CRPF है ना, सभी बलों के लोग इसमें एक साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और इसके संबंध में 1 तारीख को मेरे द्वारा देहरादून में एक मीटिंग की गई थी, उसके बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी साहब और DGP साहब के स्तर पे मेरठ में एक मीटिंग की गई थी। तो जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है उसकी भी हमने तैयारी कर ली है, ट्रैफिक प्लान की तैयारी हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार जो इस वर्ष हमने प्रबंध किए हैं वो बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो भी कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं, एक तो वो अच्छे वातावरण में यहाँ अपना यात्रा सकुशल संपन्न करें, और यहाँ जो बाकी तीर्थयात्री आते हैं, जो पर्यटक हैं, और खासतौर से जो हमारे उत्तराखंड के जो स्थानीय नागरिक हैं, उनको भी इस मेले के दौरान कम से कम आसूल